व्हाट्सअप गाइस, एक और थग लाइफ वीडियो लाए आप लोग के लिए सुधांशु त्रिवेदी सर की। तो काफी सैवेज मूवमेंट्स होने वाले हैं। मुझे किसने याद किया? पाकिस्तान याद कर रहा है तेरे को? ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। उन्होंने कहा कि हमारा देश कमजोर हुआ करता था, अब मजबूत है। देश के जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी हो, 200 साल तक ये देशवासी की निष्ठा देश को आजाद करने में लगाई हो, आप उनका मजाक बना रहे हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इसका मजाक उड़ा रही। मजेदार बात है कि इन्होंने, मतलब आज मुझे फिर आश्चर्य हो गया कि शिवसेना ये पूछ रही है क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी आप ये प्रश्न तक पूछ सकते हैं? बाला साहब देवरस की विरासत, बाला साहब ठाकरे की विरासत वाले, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और देखिए संगति का असर कैसे होता है। दो बार इन्होंने बोला 200 साल हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या लड़ रहे थे? वो आजादी की लड़ाई नहीं थी। यही अंतर होता है, क्योंकि एक कहावत है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। इसी कारण से यह समस्या हुई। अब मैं बताता हूं, अडानी की बात है, महाविकास अघाड़ी की सरकार में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला कि नहीं? आज राहुल गांधी जहां से सांसद हैं, वहां केरल की सरकार ने पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि नहीं? अब बताइए, सबसे बड़ा अगर पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले 6 महीने में, तो राजस्थान में कितने का? 60,000 करोड़ रुपए का पावर का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान सरकार ने, सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। अब आपको पता है माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? 11,000 करोड़ रुपए का, छत्तीसगढ़ में। अगर आपको लगता है, आप आके दिल्ली में जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं ये गड़बड़ वो गड़बड़, अरे उस गड़बड़ कंपनी को आपने अपने यहां दे रखा है, अरे जांच शुरू करो, कैंसिल करो, नहीं तो रिकमेंड करो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे। ना ना ना, यहाँ आके हल्ला मचाना है, वहाँ इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश के काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें? आपको क्या लगता है, क्योंकि 24 में आप जा रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है? देखिए आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना, पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी और 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई। अब फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो, पंजाब भी निपटा दिया। सही पकड़े हैं। भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसके खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए और बीजेपी रख दीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि भारत के देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इन्होंने जो बात कही भाई, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी खत्म है, इसमें बीजेपी कहीं नहीं थी। वो जो जिस प्रकार की बातें करता है, बताइए अच्छा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसमें कहीं बीजेपी है? इसमें कहीं बीजेपी है नहीं। यही तो समस्या है कि आप हमेशा उसको। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया, इन्होंने जो बहुत बोला था ना अभी, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड अमेरिका की, ये बताइए अमन अल जवाहरी को अमेरिका ने मारा अभी पिछले साल, किसी अमेरिका के विपक्षी नेता ने कहा मुझे सबूत चाहिए? किसी ने कहा मुझे लाश दिखाओ? यहां पे आके कहते हैं ओसामा बिन लादेन को मारा, किसी ने कहा सबूत दिखाओ? अरे भाई यही सीख लेते, वहां जाके भाषण देते हैं भाई। If you think you're bad, I am your dad. मैं बता रहा हूं, सुनिए। इतना ही नहीं, आपको पता है इस देश की संसद ने वो रूल पास किया था, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी जी के जमाने में क्या पास किया कि आपकी कोई भी चिट्ठी खोल के सरकार पढ़ सकती है, और अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती है। मगर वो तो धन्य है ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, वो आप लेके आए थे। इस देश की संसद ने वो रूल बना, कहा गया कि अगर आपने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल, और उसके बाद कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। आज आके भाषण देते हैं कि संसद ऐसी होनी चाहिए और संसद वैसा होना चाहिए। और एक बात मैं वैसे कह देता हूं, एक बात के लिए इनका शुक्रगुजार हूं,
जो कह रहे हैं कि संसद में शाह साहब बैठेंगे, शहंशाह साहब बैठेंगे, हम तो लोकतंत्र के प्रतिनिधि, मगर वो शहंशाह के जो वली अहद संतरण फरजंद अंजुमन साहिब आलम है, वो अपने मकान को मानते हैं कि वो तो मेरे बाप का है। वो सरकारी मकान मेरे बाप का है, मगर संसद जो है वो मोदी जी की है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात से तो थोड़ा लगा, इनको थोड़ा सांत्वना भी दूं या इनको बधाई दूं, मतलब इन्होंने मान लिया है कि हमेशा विपक्ष में रहने वाले हैं। मान लिया ना, अरे भाई जो सरकार में रहेगा उसकी संसद रहेगी, वो संसद में मेजोरिटी में बैठेगा माइनॉरिटी में बैठेगा, मगर आज ऐसे बोल रहे हैं, यानी इन्होंने मान लिया है कि अब संसद में कोई किसी भी प्रकार का आपका होने वाला नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? तो संसद भवन का नाम संसद भवन क्यों चेंज किया था, क्यों चेंज किया था, क्यों? बिल्डिंग तो वही थी, सीटें भी वही थी, आपने चेंज किया था ना, क्यों? इसलिए कि देश के स्वाभिमान का प्रतीक भी होना चाहिए। जो वाइसराय हाउस था उसका नाम राष्ट्रपति भवन क्यों किया था? क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। विलिंगडन हाउस का नाम क्यों चेंज किया था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। और सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप तो वो थे 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और आके कहते संसद की बात है, देश स्वतंत्र भारत की संसद के सामने 21 साल जॉर्ज पंचम खड़ा रहा और आके भाषण देने लगते, आज संसद ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मानने वाले टी शर्ट पहनने से संसद का अंतर नहीं आ जाएगा, लोकतंत्र का अंतर नहीं। बात में राघो जी की बात में संशोधन कर दूं, कांग्रेस ने अपने आप समर्थन नहीं दिया था, लिखित में समर्थन मांगा था। आम आदमी पार्टी ने लेटर लिख के समर्थन मांगा था। क्या बात करें मान्यवर, आप थोड़ा रिवाइंड करिए, बहुत और इतना ही नहीं, बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। मत की सरकार और गठबंधन की सरकार। चलिए दूसरी बात, ऐसी बात क्या थी, जब ये आए थे आंदोलन में टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, जन लोकपाल, दिल्ली में कहेंगे मेरे पास पावर नहीं। एक साल तो हो गए पंजाब में आ गया लोकपाल, जन जवाब दे दूं, भ्रष्टाचार लोकपाल के ऊपर करते हैं। जिस जमाने में शीला जी के नाम की फोटो लगती थी, बेईमान ईमानदार, अब कहेंगे एसीबी हमारे पास नहीं दिल्ली में। ये बताइए कितने भ्रष्टाचार के केस खोल दिया आपने पंजाब में पहले। इसलिए मैंने बहुत साधारण से कहा है भाई, अब तो ना वो वैगन आर दिखती है, ना वो टोपी दिखती है, ना कुछ दिखता है, बदले मेरे सरकार बनाने लगे। कोई बात नहीं, एक कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बलखा ही जाती है। बात से जवाब दो सुप्रिया जी की बात। सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया, 2014 से पहले ये होता था, ठीक है, कौन सी कंपनी थी जिसकी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों, 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूँ, ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था, कौन सी देशी कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंड में कौन खड़ा था, हॉविट्जर, उसके डिफेंड में कौन खड़ा था, अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था, एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा, हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा, ग्रेटा थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा, वात्रुची मामा के डिफेंस में कौन खड़ा। और इतना ही नहीं, आप में शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर रहे 2003 से 2009 तक, कंपनी का नाम है बैकऑप्स, और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं, मॉनिटर नाम था जो बंद हो गई, बैकऑफ भी 2009 में चले गए, पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां जहां चरण पड़े राहुल के ताता ये सुना है। ये तो सुना है भैया लास्ट वाला। सर की एक चीज देखिए मैंने कि अगर कोई टॉपिक चल रहा हो तो उसकी फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो बातें पास्ट में ले जाएंगे 1960s में, हर तरीके से बताने के लिए, चाहे वो संसद के ऊपर वो टिप्पणी करते ना कि इस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए, जहाँ पैर रखते हैं, ये चीज तो पता है कि थे, ये आपका कोई वो है ना नेता है, पॉलिटिशियन है, इसी से तो वो चल रही है परिणीति की, कंफर्म नहीं है भैया, कंफर्म नहीं है, उसने हार्डी संधु है ना, उसका मैंने वो पढ़ा था, उसने भी कुछ कांग्रेचुलेशंस बोला है। कितनी गजब औरत है, यहाँ पे थग लाइफ देख रहे हैं, बातें कहीं और की हो रही हैं, गजब रिश्ते की बात हो रही है भाई, लेकिन इनकी वीडियोस देख रहे हैं बड़ा मजा आता है। सर की जो एक एटीट्यूड और जो पर्सनैलिटी रहती है ना, अगले बंदे भी सोचते हैं यार अब तो डिबेट में तो आ गए हैं, चलो कोई ना कोशिश करते हैं डिबेट एटलीस्ट मेंटेन करने की, जीत नहीं सकते तो, क्योंकि अलग ही रुतबा है इनका, मैं कहूंगा एक अलग ही पर्सनैलिटी है और इनके फैक्ट्स बैंग ऑन, ये चीज तो मैं कहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अप टू द पॉइंट होता है हमेशा फैक्ट्स, ये चीज मिलते हैं वीडियो के साथ और वीडियो से करना भूले, बाय बाय, टेक केयर।